खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम एक बार फिर अदालत उज़्मा में हाज़िर हैं और बहुत खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जज साहब ने हमारी फेवर में कुछ फेवर में हमें फ़ैसला दिया है कि बच्ची माइनर है और जिसने भी इसके निकाह में और जिसने भी इसके अगवा में जो भी काम किया है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। ये एक अच्छा इकदाम होगा कि जो हमें तकवीत बख्श रहा है कि हमारा जो अदालत के ऊपर से एतमाद और एतबार उठ गया था वो एक दफ़ा फिर जो है बहाल होना शुरू हो रहा है। और शुक्र करते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि ये मसला बहुत जल्द हल किया जाए और हमारी दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा देर तक लटकाया ना जाए और जो मुजरिम है उसको करार वाके सज़ा दी जाए। खुदावंद का शुक्र करते हैं और लेकिन साथ में हम ये भी अपील करते हैं कि आरजू राजा के वालदेन को उससे मिलने की परमिशन दी जाए क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है वो उनसे मिल रहा है और उससे उसको प्रेशराइज़ कर रहा है लेकिन जो उसके अपने माँ बाप हैं उनको मिलने से रोका जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि बच्ची माइनर है, वो अंडर प्रेशर है और उसने कहा है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ। वो कन्फ्यूज़ है, उसने अपने मुँह से कह दिया कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ इस वक्त। तो इस जुमले के लिए के अंदर ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी हकीकतें जो हैं वो छुपी हुई हैं जो कि जज साहब को ख़ुद देख लेना चाहिए कि वो बच्ची क्या कहना चाह रही है। जज साहब ने के आने से पहले जो उन्होंने आके मौलाना साहब और जो दूसरे वकील वो निकाहनामे पे आके साइन करवा रहे हैं बच्ची से, ज़बरदस्ती उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। दैट वाज रॉन्ग। ये किस कस्म का कानून है? वो जो हमारा एतमाद है कि हमारा कानून जो है वो सबके लिए यकसा है। तो एक बार फिर मैं ये कहूँगी कि हमारा एतबार अब दोबारा बहाल होना शुरू हो गया है, शुक्र है। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एतमाद है, एतबार है, दोबारा उसी तरह अपने कानून पे, अपनी अदालत उज़्मा पे जो है बहाल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।